नमस्कार, मैं अभिषेक चित्रान सिटी न्यूज बरेली में आप सभी का स्वागत करते हैं। शुल्क समिति की बैठक भी हो गई डीएम की अध्यक्षता में। इस बैठक में अभिभावकों को उम्मीद थी कि फीस में जरूर कुछ राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुराने नियमों को ही सरकार को गाइडलाइन के खांचे में बैठा कर अभिभावकों को थमा दिया गया। सक्षम अभिभावकों से अपील की गई है कि वे फीस जमा कर दें। 15 अगस्त के बाद स्कूल खोलने की तैयारी से अभिभावक सहमत नहीं है। उनका कहना है कि कोरोना काल चल रहा है, जब तक प्रशासन पूरी तरह हमारे बच्चों की जान की हिफाजत नहीं करेगा, हम हरगिज अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। नमस्कार, आशुतोष सक्सेना सिटी न्यूज। आज फिर से हमारा एक सवाल है, स्कूल कॉलेज सभी खुलेंगे तो हम गार्जियन से ये जानना चाहेंगे कि वो अपने बच्चे कैसे भेजेंगे और किस तरह से भेजेंगे, किस तरीके से भेजेंगे। तो आइए हम पूछते हैं भैया जी से। आपका नाम? राहुल गंबर। मेरा सिटी न्यूज का सवाल है कि आप अपने बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं आपके, आप स्कूल भेजेंगे तो आप किस तरीके से भेजेंगे और कैसे भेजेंगे? देखिए, प्रशासन के हिसाब से तो जो है वो बच्चों को बुलाया जाएगा भाई, 1 जुलाई से स्कूल खुलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है कि जब बड़े ही सावधानी से नहीं रह पा रहे हैं, तो बच्चे जिनको पता ही नहीं है कोरोना क्या है, बीमारी से कैसे बचना है, तो बच्चे और एक टीचर 30-30, 40-40, 70-70 बच्चों को कैसे केयर कर पाएंगे और कौन से बच्चे को रोकेंगे कि ग्लव्स पहनो और मास्क का सही से पालन करो? नहीं हो पाएगा। और बाहर देशों में देखिए, इजराइल में देखिए कितने बच्चे को एक साथ कोरोना हो गया है भाई, और वो हर एक बच्चा एक फैमिली से बिलोंग करता है, और फिर उसके बाद कितना स्प्रेड हो जाएगा कोरोना। तो आप अपने बच्चों को मतलब स्कूल भेजेंगे या तो यही है कि नहीं भेजेंगे? कम से कम 6 महीने तो लगभग नहीं। ये सरकार क्या कहती है, कौन सा फार्मूला निकालती है, ऑड इवन का निकालती है कि कौन से रोल नंबर वाले किस दिन आएंगे, या सेक्शन वाइज निकालती है, 2 सेक्शन आ जाएंगे, 2 सेक्शन दबाएंगे, वो उस पर डिपेंड करता है कैसे भेजे जाएंगे। और अभी तो भेजने का कोई मतलब ही नहीं जब तक ये कोविड का असर रहेगा ज़्यादा। अभी तो दिन पे दिन बरेली में केस बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, और ये बढ़ेंगे अभी और। तो अभी तो स्कूल भेजने का कोई मतलब ही नहीं बच्चों को। शुरू में भेजना पॉसिबल नहीं है बच्चे को? क्यों? अभी बच्चे इतनी डिस्टेंस जानते नहीं है आपस में बैठ करना, इसलिए ना बच्चों की इतनी हो पाएगी वहाँ पे स्कूल में। अगर मान लीजिए प्रशासन अगर पूरी तरह से आपको सुविधा देता है, फिर उसके बारे में सोचेंगे भेजने के लिए बच्चों को। हम बच्चों को अपने स्कूल नहीं भेजेंगे। सबसे पहले तो सरकार से हमारा ये जवाब है कि संक्रमण रोकने का उन्होंने क्या उपाय किया है, क्या संक्रमण कम हो रहा है आज की डेट में, क्या पोजीशन है? ये लोग जो बता रहे हैं वो संख्या तो बहुत कम है, यहाँ कुछ और है कुछ और। अभी तो फिलहाल हम लोग नहीं भेजेंगे बच्चों को, क्योंकि ये लोग मेरे हिसाब से बीजेपी सरकार जो है ये प्रैक्टिकल एक तरीके से प्रैक्टिकल करना चाह रही है बच्चों के ऊपर। ये अभी संसद क्यों नहीं खोल रहे हैं, पूछने वाली बात है, ये संसद क्यों नहीं खोल रहे हैं? पहले संसद खोले तब हमारे बच्चे जाएंगे, ऐसे नहीं भेजेंगे। संसद से और स्कूल से मतलब क्या? संसद में भी भीड़ है ना, तो बच्चों की भाई स्कूल में भी तो भीड़ रहेगी ना बच्चों की। पहले संसद में जाके देखें, सब लोग इकट्ठे होकर देखें क्या है क्या नहीं है, बच्चों को प्रयोग करना क्यों चाह रहे हैं लोग? अभी बच्चे भाई बच्चे समझदार नहीं है, ये जितना भी तो समझदार है बच्चे समझदार नहीं है। बच्चे स्कूल जाएंगे तो खेलेंगे भी, कूदेंगे भी, पास में भी बैठेंगे, तो संक्रमण होने का खतरा ज़्यादा रहेगा, इसलिए हम लोग नहीं भेजेंगे। अभी तो फिलहाल नहीं भेजेंगे, पढ़ाई हो या ना कुछ राहत मिले या ना, बच्चों को अभी तक नहीं करेंगे। भीड़ होगी वहाँ पर, बच्चे पास में बैठेंगे, एक दूसरे का खाना भी खाएंगे, खेले भी था खेलेंगे भी साथ में, बहुत सी बातें हैं, तो उन पर इन्फेक्शन ज़्यादा फैलेगा। सरकार खुद कह रही है 10 साल के कम बच्चों को घर से बाहर ना भेजें, 55 साल के बुजुर्ग को बाहर ना भेजें। बच्चे तो वैसे 10 साल के और नीचे ही ऑलरेडी, तो हम स्कूल नहीं भेजें। वैसे तो हमारी सरकार ने जो निर्णय लिया है बहुत सोच समझ के लिया है, लेकिन एज ए पेरेंट हम लोग ये चाहते हैं कि स्कूल में बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा बैठाया जाए, और सैनिटाइज़र है और जो भी प्रोटेक्शन और जो भी गाइडलाइन केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की हैं उसके निमित्त ही बच्चों को दिया जाए,
और मेरा अभी निवेदन, मैं तो एज ए पेरेंट तो ये चाहूँगा कि अभी थोड़ा हमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अब आप देखिए लगातार कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें अभी छोटे क्लास के जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा अभी रोकना चाहिए मेरे चाहिए। सबसे पहले तो जो कोरोना महामारी है अभी तक बहुत तेज़ी से फैल रही है और इसकी संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। और रही बच्चों की बात, बच्चे लॉकडाउन का पालन नहीं कर पाएंगे, जब बड़े नहीं कर पाते हैं तो बच्चे भी नहीं कर पाते हैं, और इसलिए बच्चों की जिम्मेदारी माँ बाप की ज़्यादा बनती है, और हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे जब तक लॉकडाउन पूरी तरीके से यानी कि बीमारी खत्म नहीं हो जाए, हम चाहते हैं कि बच्चों को ना भेजें। ऑनलाइन मीटिंग में अभिभावकों ने कॉलेज प्रशासन से पूछे सवाल, क्या लॉकडाउन अवधि की फीस माफ़ होगी, क्या सिलेबस में किसी तरह का बदलाव किया जाएगा, क्या सिलेबस छोटा किया जाएगा, यदि बच्चों को अपनी क्लास में एडमिशन लेना है तो दाखिला प्रक्रिया क्या रहेगी, लाइब्रेरी कंप्यूटर अन्य एक्टिविटी की फीस क्यों ली जा रही है, छोटे बच्चे ऑनलाइन क्लास में पढ़ ही नहीं रहे तो फीस क्यों ली जा रही है। अभिभावक समिति के अध्यक्ष अंकुर सक्सेना का क्या कहना है बच्चों को लेकर? उनका कहना है बच्चों को लेकर कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता, जब तक बरेली कोरोना मुक्त नहीं हो जाता और एक महीने बाद तक जिले में कोरोना का कोई मरीज नहीं मिलेगा तभी बच्चों को स्कूल भेजेंगे। सरकार को जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, फिलहाल ऐसे हालात में हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। इसी तरीके की लेटेस्ट खबरें और लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल सिटी न्यूज़ बरेली को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें और साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें। मैं अभिषेक चित्रांश आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्ते बुआ, कैसी हैं आप? भाभी ये आपकी मुँह दिखाए। ये क्या, बीड़ी, गुटखा, खैनी? ये हमारे स्वागत की रस्म, पर ये तो सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, इससे कैंसर के अलावा कई और खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन अब इस आदत को छोड़ें। तंबाकू आज ही छोड़ें और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए स्वस्थ रहें। सहायता के लिए 1800-11-2356 पर कॉल करें। सूचना जिलाधिकारी नीतीश कुमार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मृत कुमार शुक्ल के द्वारा जनहित में जारी।